तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सुबह। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स, फोटोज, वीडियोस वगैरह अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसा लिखा रहा है जो कि आप देख ही सकते हैं। मतलब कि आपकी जो गैलरी है वो ओपन नहीं हो पा रही है, आपके गैलरी के जो भी फोटो वीडियोज थे वो यहाँ पर आते थे वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे, जिससे कि आप उनको अपलोड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपके फोटोज, वीडियोज वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर कैसे आएंगे, उसके बाद आप आसानी से उनको अपलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करने के लिए सबसे पहले स्क्रीन पर आना है, और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर के लिए सब्सक्राइब। सो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जाना है सेटिंग्स में। तो मैं सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो जैसे मैं सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सेटिंग्स ओपन कर लिए हैं। उसके बाद अब आपको आना है नीचे। नीचे जैसे हम चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, आपके मोबाइल में मैनेज ऐप्स या फिर ऐप मैनेजमेंट नेम से भी हो सकता है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑल ऐप्स पे आ जाना है। जैसे आप लोग ऑल ऐप्स पे आ जाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको इंस्टाग्राम ऐप को ढूंढ लेना है। तो मैं इंस्टाग्राम ऐप को एक बार ढूंढ लेता हूँ। तो इंस्टाग्राम ऐप को जैसे आप ढूंढ लेते हैं तो कुछ ये वाला होगा, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो अब आपको सबसे पहले करना क्या है कि परमिशंस में आपको जाना होगा। परमिशंस में जाने के बाद सबसे पहले आपको जाना है नीचे, और फोटोज एंड वीडियोज़ की जो परमिशन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ऑलवेज अलाउ कर देना है, जस्ट तो ऑलवेज अलाउ ऑल को बैक क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग कर देते हैं अब आपको आना बैक। बैक आने के बाद अब आपको एक कैमरे पर जरूर क्लिक करना है, और कैमरे की सेटिंग को भी ऑलवेज अलाउ करना है। ये आपको जरूर करना है। ये दो सेटिंग अगर आप कर देते हैं, उसके बाद करने के आपको दोबारा इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है, और उसके बाद आपकी जो सारी फोटो वीडियोज है वो आ जाएंगी और आप उनको आसानी से अपलोड कर दोगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बता सकते हैं।